आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये सारनाथ के बारे में कुछ तस्वीरें और यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या जगह है इसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो में पूरा अंत तक जुड़े रहिए, आपको सारनाथ के बारे में पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या जगह है और कितने टिकट लगते हैं ये सब के बारे में भी मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। और जो लोग इस चैनल पर नया है उनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल का कोई वीडियो आप मिस ना करें। आगे ये जो धमेक स्तूप है इनको पहले कहा जाता था धर्मचक्र स्तूप और ये लगभग 2300 साल पहले ये सम्राट अशोक ने इसको बनाया था। उसके बाद अभी से 800 साल पहले इसको फिर एक बार पुनर्निर्माण हुआ है। तो ये कहा जाता है जो यहीं पे जो बुद्धदेव है उनका पहले ही उपलब्ध हुआ था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो आ करके वो 5 शिष्यों को यहाँ पे वो कुछ उपदेश दिए थे। और ये जो आपको देख रहा है यहाँ पे बहुत सारा लोग आकर के यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। और ये सब जो पत्थर आपको देख रहा है ये सारे पत्थर लगभग बहुत ही पुराना है और यहाँ पे ये सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो यहाँ का जो परिवेश है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मनोरम है। देखिए कितने अच्छे परिवेश है यहाँ पे और यहाँ पे आकर के सभी बौद्ध धर्म के लोग आते हैं और आके यहाँ पे सब अपना ध्यान करते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आकर के सब एक साथ बैठ के कुछ प्रार कर रहे हैं। और ये जो स्तूप आपको देख रहा है इनका जो है इनका व्यास है आपका 30 मीटर और इसका ऊंचाई है लगभग 43 मीटर, तो ये बहुत ही बड़ा है। ये है महाबोधि सोसाइटी टेम्पल। तो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं लोग यहाँ पे आते हैं और आ करके कुछ प्रार्थना वगैरह करते हैं। और ये जो मंदिर दिख रहे हैं ये भी मंदिर एक वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया, ये इंडिया का बहुत पुराना मंदिर है माना जाता है। और यहाँ पे जो आते हैं सारनाथ घूमने के लिए तो ये सारे जगह लोग दर्शन करके जाते हैं। और इसके अंदर एक इस मंदिर के अंदर ये एक फ़ोटो भी है बुद्धदेव का, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रेगुलरली इसका प्रार्थना वगैरह होता है। और ये जो इसी के बगल में मंदिर के जस्ट राइट साइड में है ये देख रहा है ये आपको एक बुद्धदेव का स्टैचू है, मतलब यहाँ पे ये सब उसका शिष्य लोग को कुछ ज्ञान बांट रहा है। और ये उसी मंदिर के पास आपको ये घुमाने के लिए है, ये सब आके घुमाता है पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको नहीं पता है मतलब क्या इसको बारे में क्या चीज़ डिटेल्स में। और इसी के जस्ट थोड़ा आगे है ये आपका एक जू भी है यहाँ पे, मतलब इसी मंदिर के जस्ट पीछे इसको कहा जाता है, इसको सारनाथ जू कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी वगैरह भी है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये पक्षी और यहाँ पे मयूर वगैरह भी है। तो आपको जितने भी 2-3 तस्वीर में दिखाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक क्रोकोडाइल भी दिख रहा है पानी के अंदर, ये सब जू के अंदर है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है थाई टेम्पल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब एक स्टैचू है इनका जो है ये बुद्धा स्टैचू कहा जाता है। ये लगभग 80 फीट का हाइट का है और ये सारनाथ का मतलब मेन अट्रैक्शन का जगह है एक। और ये देखने में काफ़ी अच्छा है ये स्टैचू जो है। तो और ये स्टैचू तो आपको बता दिया ये लगभग 80 फीट ऊंचाई का है पूरा। और ये सारनाथ का अंदर ही लोकेट है, मतलब जो वहाँ स्तूपा है वहाँ से लगभग 100 मीटर 150 मीटर दूरी के ये आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ये एक और आपका यहाँ पे देखेगा ये है आपको थाई तिब्बतियन टेम्पल है। और यहाँ पे इसके अलावा भी यहाँ पे सबसे एक जो अच्छी चीज़ है ये है आपका एक मतलब म्यूजियम भी यहाँ पे है,
तो चलिए म्यूजियम फोटो हम दिखाते हैं। ये है आपको म्यूजियम, यहाँ पे आने के लिए ₹5 टिकट लगता है और बाकी सारे जगह जो है वो घूमने के लिए लगभग आपको ₹25 टिकट लगता है। लेकिन बुद्ध देव की जो बड़े बड़े मूर्ति है उसके जाने के लिए कोई पैसा टिकट नहीं लगता है। तो ये जो म्यूजियम है इसको अंदर में तो कैमरा लेके जाने नहीं देते, तो ये बाहर से इसको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके इस वीडियो को बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो में ज़रूर एक लाइक दे दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस सब वीडियो को जैसे देखने को मिल जाए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।